हमने देखना किधर है, लुक किधर है? हाँ, कैमरा में देखना, तो बीच वाले में देखते हैं, तो मेरी तो आंखें भी नहीं दिख रही है, तो इस नाइस सर उसको ऊपर कर लिया सर, ठीक है। हाँ जी जी सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो मैं जरूर आऊंगा मूवी है, थ्रिलर मूवी है, तो बाकियों से कैसे अलग है? बाकियों से इसलिए अलग है क्योंकि ये जो है वो बाकी फिल्मों में क्या होता है कि सारे राज जो है एक ही साथ एक ही बार में खुलते हैं, इसमें जो है वो किस्तों में खुलते रहेंगे और आपको जो है वो एंगेज रखेगी और बड़ी ग्रिपिंग है, तो एक सस्पेंस खुलेगा और नया सस्पेंस फिर से शुरू हो जाएगा, तो टिल द एंड आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली जो है वो सस्पेंस वो था या ये था या ये था या वो था। जी सर, आप इसे जानना चाहेंगे आपका क्या रोल है? मेरा रोल, आई एम प्लेइंग अ फैशन फोटोग्राफर। वो शूट करते करते किस तरह कनेक्ट होता है हीरोइन से, वो कैसे कनेक्टेड है, कैसे अरबाज सर से कनेक्ट होगा, कैसे स्टोरी में आगे जाएगा, फिर एक घटना घट जाएगी जिस घटना से बचने के लिए पूरी मूवी आई थिंक चलती रहेगी और वही मूवी है। कौन ज़रूर आता है वो आप देखेंगे। आपने विलन का रोल निभाया? बिल्कुल। तो फिर कैसा एक्सपीरियंस था? विलन का रोल इसमें नहीं निभाया है और मूवीज में निभाया। हाँ, तो विलेन का एक्सपीरियंस करते हैं, बड़ा मज़ा आता है एक्चुअली, मार खाने में बहुत मज़ा आता है। यू जस्ट डाई एंड यू एंजॉय इट। आई थिंक आपको चाकू लगता है, आई थिंक आपका गला कटता है, आपको गोली लगती है, इट्स जस्ट सो मच फन। हाँ देखिए, ये मूवी मुझे फर्स्ट इसीलिए करनी थी क्योंकि अरबाज सर थे, आई वॉन्टेड टू मीट हिम बिकॉज आई बीन अ फैन बॉय बचपन से, यू नो आप फिल्म देख रहे हैं, हेलो ब्रदर वॉज माई फेवरेट फिल्म, देन प्यार किया तो डरना क्या वॉज माई फेवरेट, सो आई वॉन्टेड टू मीट अरबाज सर एंड चंद्रकांत सर ने ये स्क्रिप्ट सुनाई एंड मैंने बोला ये तो करना है, मुझे सर से भी मिलना है और स्विट्जरलैंड में भी शूट करना है, आपके साथ भी काम करना है, एंड आई थिंक आई फाउंड अ बिग ब्रदर। ये मूवी में आप देखेंगे तो आई कम एज अ हीरो ऑल्सो एंड आई कम एज अ विलन ऑल्सो, सो इट्स एंटी हीरो कैरेक्टर, बिल्कुल करना चाहूँगा, बट यू नो बारिश आसमान से होगी तो वहीं से होगी, यू नो आप ज़मीन से नहीं हो सकती, तो मेरी जो शक्ल है, मेरा जो फेस है, इट गोज़ वेरी शार्प फीचर्स, सो शार्प फीचर्स के साथ आपको विलन ही मिलता है एंड आई एम गुड विद दैट। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म से मैच नहीं खाएगा, जब आप फिल्म देखेंगी तो किसी फिल्म से हमारा कोई लीजिए दीजिए नहीं, बिल्कुल बहुत कम किसी से इंस्पायर्ड नहीं, बहुत कम एक्टर्स हैं फिल्म में, बहुत कम कैरेक्टर्स के साथ ही शूट है, तो ये स्टोरी एक छोटी सी जगह पे एक बहुत कम किरदारों के साथ एक ही शहर में अटक जाती है, तो आई थिंक बहुत ही ट्विस्ट एंड टैंगी है स्टोरी। देखिए ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ट्रेलर जो है वो इंजन होता है, जब ट्रेलर छूटता है सबसे पहले वही लोग देखते हैं, तो आपको कई ऐसी चीज़ें भी ट्रेलर में कहना होती है जो आपको ऑडियंस में एक जो है वो क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, तो वही सब ट्रेलर में दिखाया गया है। फिल्म जो है वो एग्जैक्टली ट्रेलर नहीं है, फिल्म में और भी काफ़ी ज़्यादा कुछ है। ट्रेलर सिर्फ स्टार्टर है, मेन कोर्स आने वाला है और बीच में जो सूप थे वो सारे सॉन्ग्स आ गए, अभी मेन कोर्स की बारी, वो 5 दिन में आ जाएगा, वो ज़्यादा स्वादिष्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा 5 दिन कैसे हुआ? आप बड़े अच्छे हो, थैंक यू, यू लव मी। थैंक यू। शिव नाम है इस कैरेक्टर का, फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है, मर्डर मिस्ट्री है और मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला ये कैरेक्टर है, बहुत ही शार्प और बहुत ही डेफिनेट, उसको मालूम है कि सामने वाले व्यक्ति की सोच में क्या चल रहा है, इतना शार्प है वो, और एक मर्डर होता है जैसे ही वो सॉल्यूशन की तरफ पहुंचता है इमीडिएटली दूसरा मर्डर हो जाता है, फिर तीसरा मर्डर हो जाता है ये, लेकिन अपनी शार्पनेस की वजह से ये सारे मर्डर को सॉल्व करता है। सो ये डिटेक्टिव का कैरेक्टर है, उसकी नज़र इतनी तीखी है कि सामने वाला कल्प्रिट जो उसे देख के कांप जाता है, इतना उसका दबदबा है, इतना रौब है। सो एक बड़ा रौबीला कैरेक्टर है इस फिल्म का और काफ़ी इम्पैक्ट के साथ इस फिल्म में आया है, और जिस तरह के कैरेक्टर्स मैंने किए हैं उनमें एक और बेहतरीन कैरेक्टर ऐड हुआ है,
मेरे अपने करियर में। हर कैरेक्टर के लिए एक रिसर्च वर्क होता है हमारा कि एक कैरेक्टर किस तरह से दिखना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, किस तरह की वॉक उसकी होनी चाहिए, किस तरह की क्या सुर उसका होना चाहिए, और इस पर हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और धीरे धीरे करके जब हमको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि यस ये सुर करेक्ट है इसके लिए, ये वॉक करेक्ट है इसके लिए, अभी जिस तरह का सुर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। इसमें एक हमने एक तकिए कलाम बनाया है, और जैसे ही सामने कल्पित आता है वो उसके सामने ये हल्का सा एक नीचे वाले सुर का इस्तेमाल करके वो डायलॉग बोलता है, मार्क माई वर्ड्स, तुम उससे बच कर नहीं जा सकते, पैनी गिद्ध की पैनी नजर है तुम पर, क्लोज वॉच। इस तरह का हमने उसमें तकिया कलाम और सुर इस्तेमाल किया है, और ये वर्क करेगा इतना मुझे विश्वास है। एक तो ये हमारे घर की फिल्म है, हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमसे रिलेटेड हैं, ये भी नामदेव है, मैं भी नामदेव, हम एक ही जात के, और समझ लो कि भाई भाई हैं। एक वजह ये थी कि फिल्म की स्टोरी में इतनी ग्रिप है, और मर्डर मिस्ट्री है, प्लस स्विट्जरलैंड में शूट है, ये दो तीन फैक्टर्स ऐसे रहे जिसकी वजह से मैंने एक्सेप्ट किया। ज़्यादातर मतलब ऐसी कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन वहाँ की पॉजिटिविटी मुझे बहुत ही रजिस्टर हुई, जिस तरह का काम हुआ मेरा, जिस तरह का काम हम लोगों ने किया, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में -20 में काम करना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने किया, तो इतना वहाँ काम के प्रति हम लोग कमिटेड थे, फोकस थे, कि काम करते रहते थे भले ही क्लाइमेट कुछ भी हो, कई बार गिरे भी, कई बार चोटें भी लगी, ठंड में कांपते भी रहे, लेकिन हम काम करते रहे। तो एक वहाँ का जो एक पॉजिटिविटी थी उसकी, वहाँ की हवा की, वो मुझे बहुत ही रजिस्टर हुई, मतलब जिस तरह का काम मेरा हुआ, जिस तरह का काम का की क्वालिटी मेरी आई है सामने, और जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट मेरे काम में थी, वो सब जगह ऐसी नहीं होती। सो प्लस ये तो हम पृथ्वी के कई स्वर्ग हैं, उसमें से एक है स्वर्ग स्विट्जरलैंड, बहुत आनंद हुआ वहाँ काम करके। इसको प्योरली हॉरर फिल्म नहीं कह सकते हैं, इसमें चार एलिमेंट्स हैं, जो सिर्फ एक एलिमेंट को हम ज़्यादा अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, चार एलिमेंट्स हैं, रोमांटिक थ्रिलर विथ सस्पेंस एंड हॉरर, सो ये चार एलिमेंट्स हैं जिनको बेस करके हम इस फिल्म को कैटेगराइज कर रहे हैं। फिल्म का कंसेप्ट जब सामने आया, स्टोरी में बेस चीज़ बहुत बेस थी कि फिल्म में 90% जब फिल्म कंप्लीट हो रही है, जब तक सस्पेंस बराबर है, तो सस्पेंस और पूरा हर कैरेक्टर का एक डिफरेंट तरीके का मोड है, हस्बैंड वाइफ का लाइफ का कैरेक्टर अलग है, लिविंग रिलेशन में गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेट है, वो कैरेक्टर अलग है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अलग है, और यूज मतलब जो लोकेशन है, जो लुक्स हैं, वो पूरे प्रोडक्ट को मतलब अच्छा सारा ही रंग दे रहे हैं उसमें,
और सारे जो टेक्नीशियन के टीम के लोग और सारे एक्टर्स टीम के लोगों ने आउट ऑफ बॉक्स जाके माइनस 14, 15, 16 से लगा के 20 तक में लोगों ने इवन 26 जनवरी को भी सब लोगों ने काम किया। हम लोग वहाँ 26 जनवरी हम लोगों ने वहाँ स्विट्जरलैंड में सेलिब्रेट सेलिब्रेट काम भी किया और अमूमन तौर पे लोग बोलते हैं कि आज 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 जो है देश आज़ाद हुआ तो हम लोग कम से कम काम से आज़ाद रहे, पर काम में इतने ज़्यादा लोग मतलब वो थे कि उस दिन भी लोगों ने ज़बरदस्त काम किया। तो ये फिल्म की पूरी सफलता पूरी एक्टर्स टीम को जाती है, हमारी टेक्निकल टीम को जाती है और अब आप लोगों के सहयोग से आप लोगों को जाएगी कि आप इस सिनेमा को बहुत अच्छी तरह से पब्लिकल प्रमोट कर दें। ये सिनेमा 27 तारीख को पब्लिक एंटरटेनमेंट के मूड से आए और वो एंटरटेनमेंट का मूड उनका पूरा होगा, ऐसा हमारे प्रोजेक्ट का पूरा थ्रो है। उसमें पब्लिक कहीं लूजर नहीं रहेगी, पब्लिक जो सोच के जाएगी उससे जिस तरह की फिल्म बनी है डिफरेंट बहुत ही इम्पैक्ट है फिल्म का, डिफरेंट चीज़ें माइंड में लेके निकलेंगी। कैरेक्टर है उसमें ऐसा एक अधेड़ बिजनेसमैन का 44 इसका एक बिजनेसमैन की कहानी है। कौन सी फिल्म तुषार कपूर की कौन सी फिल्म? क्या क्या रिलेट हो रहा है, पोस्टर रिलेट हो रहा है या नहीं? ये बिल्कुल आप जब ये फिल्म को जब सिनेमा से आप देखेंगे बाहर आएंगे तो आप गैस भी नहीं कर सकोगे कि क्लाइमेक्स ये डिफरेंट है। आप जब सिनेमा से एग्जिट होंगे जब बाहर आएंगे हॉरर का बिल्कुल अलग रूप है जो आपको देखने को मिलेगा, सो कहीं कोई साम्य नहीं है, कोई मेल नहीं है किसी दूसरी फिल्म से। या क्लाइमेट डिफरेंट है। लेटेस्ट